नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में आयोजित स्पेस एंड अप्लाइड साइंस में गृहित विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू बत्ता सहगल ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में आयोजित स्पेस एंड अप्लाइड साइंस में गणित विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। मुंबई के नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स और DRDO दिल्ली द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। सेमिनार में देश विदेश से वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि हमीरपुर महाविद्यालय के अस्तित्व में आने के 54 वर्षों में पहली दफा अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन किया जा रहा है। सम्मेलन गणित की विभिन्न संभावनाओं का तलाशने का एक कारगर माध्यम बनेगा। अपने संबोधन में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सृष्टि की कल्पना गणित के बिना अधूरी है और गणित समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जीवन को क्रम में चलाने में गणित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि गणित व गणितज्ञ गणना भारतीय जीवन में आदिकाल से रची बसी हुई है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर मैथमेटिक्स स्पेस एंड अप्लाइड साइंसेस के ऊपर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके लिए मैं स्थानीय प्रिंसिपल मैडम अंजू सहगल जी का और सभी स्टाफ मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा इवेंट इसका ऑर्गेनाइजेशन इस कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स ने किया और मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स का साइंस में कितना रोल है। विदाउट मैथमेटिक्स आप किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो हमारे इस कॉलेज में हुई है, कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी मान सम्मान की बात है। शोध सम्मेलन के समन्वयक डॉक्टर संजय कांगो ने बताया कि ये कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में 28 विश्वविद्यालयों, 8 इंजीनियरिंग संस्थानों, 4 मेडिकल कॉलेजों, भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन व रिसर्च और 40 महाविद्यालयों के 180 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता UAE से आए हुए प्रोफेसर GP राव ने अंतरिक्ष और अन्य अनुप्रयोगों के लिए नियंत्रण की गणितीय अवधारणाओं पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि का गणित अभिन्न भाग है। जल, थल, नभ व अंतरिक्ष सभी में गणित व्याप्त है। गणित न केवल विज्ञान बल्कि अन्य सभी विषयों में समाहित है। इस कॉन्फ्रेंस में 130 से ज्यादा रिसर्च पेपर आए थे, जो कि 20 टेक्निकल सेशंस में उनका ओरल प्रेजेंटेशन होगा और एक पोस्टर प्रेजेंटेशन एक सेशन में होगा। 130 पेपर में से क्वालिटी बेसिस पर केवल 39 पेपर ही कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में छप रहे हैं, जिसका विधिवत विमोचन कल के मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश सहगल, जो कि श्रीनगर NIT के डायरेक्टर हैं, वो करेंगे। इसी के साथ मैं सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको सक्सेस बनाने में दिन रात बहुत कड़ी मेहनत की। इससे पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अंजू बत्ता सहगल ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विशेष आमंत्रित वक्ताओं DRDO के वैज्ञानिक डॉक्टर SK पाल, JNU दिल्ली से गजेंद्र प्रताप सिंह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्रोफेसर रजनीश कुमार, प्रोफेसर अनिल वशिष्ठ और करियर पॉइंट विश्वविद्यालय से प्रोफेसर KL वर्मा ने भी व्याख्यान दिए।